हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? अगर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट? एक नया प्रोडक्ट मिलता है। तो वो प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो हमें कौन कौन से रिएक्टेंट चाहिए होते हैं स्टूडेंट? हमें क्या क्या सब्सटेंस चाहिए होते हैं? हमें चाहिए होता है वाटर, हमें चाहिए होता है टी, हमें चाहिए होता है जिंजर, और इन सबको मिक्स करके हम क्या बना देते हैं? एक नया सब्सटेंस। वो नया सब्सटेंस क्या बनती है स्टूडेंट? वो बनता है चाय, जिसे कहते हैं टी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हमने मिक्स किया और उनसे हमें क्या मिल गया स्टूडेंट? एक फाइनली नया प्रोडक्ट मिल गया, वो क्या हो गया? टी। तो ये क्या होगी मेरी एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या कर रहा हूँ, आपस में मिक्स कर रहा हूँ और एक नया प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, और आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जिन सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो हमें फाइनली मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। जिन्हें मिक्स करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनली मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे चाय वाले केस में रिएक्टेंट क्या हो गए? हमारी टी हो गई, हमारे शुगर हो गया, हमारी जिंजर हो गया, ये क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट हो गए। और जो हमारा प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया स्टूडेंट? वो हमारी हो गई टी। ओके स्टूडेंट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका एक एग्जांपल लेता हूं एलिमेंट के थ्रू। केमिस्ट्री में स्टूडेंट हमारे 114 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से कोई टू एलिमेंट्स हम लेंगे। तो मैं कौन कौन से एलिमेंट लेता हूं? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? Mg। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Mg, प्लस में ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला MgO। तो मेरा क्या मिला स्टूडेंट हमें? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए? आपस में मिक्स हो रहे हैं और हमारा नया प्रोडक्ट हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट, हमें केमिकल रिएक्शन अब कहाँ कहाँ देखने को मिलती है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? हम जब खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो स्टूडेंट वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? कुकिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? कुकिंग में बहुत सारी वेजिटेबल्स लेते हैं, उन वेजिटेबल्स को हम मिक्स करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है जो होता है हमारा फूड। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। क्या? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन कैसे है? इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट रेस्पिरेशन में? हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और हम क्या करते हैं स्टूडेंट? जब ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे सेल्स के पास पहुंच जाता है। किसके पास पहुंच जाता है? सेल्स के पास। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो वो भी किसके पास पहुंच जाता है स्टूडेंट? सेल्स के पास पहुंच जाता है। तो सेल्स में अब हमारा जो ऑक्सीजन होता है और जो हमारा खाना जो होता है स्टूडेंट, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो फूड होता है स्टूडेंट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट? सेल्स में ऑक्सीजन प्लस में ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस में ग्लूकोज क्या होता है स्टूडेंट? आपस में रिएक्ट होते हैं, मतलब आपस में मिक्स होते हैं और हमें क्या देते हैं? क्या देते हैं? वो हमें देते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट? मेरे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो रहे हैं, है ना, और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुई।
तो मेरा जो थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन का, रस्टिंग। जब आयरन को जंक लगता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, जंग कैसे लगता है स्टूडेंट? हम क्या करते हैं, जो मेरा आयरन होता है उसे हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ओपन एटमॉस्फेयर में जब हम आयरन को रखते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं स्टूडेंट? बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके स्टूडेंट, ये मेनली हमारी पाई जाती हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, आयरन के साथ क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। और जो हमारी हवा में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, वो भी क्या हो जाता है, आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हमारी कौन कौन सी चीज आपस में मिक्स हो रही है स्टूडेंट? आयरन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर। जब ये तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो स्टूडेंट आयरन के ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, बहुत सारे सब्सटेंस आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक हमें क्या दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या आयरन मिक्स हो रहा है प्लस में ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है प्लस में मॉइस्चर, बट बोले तो वाटर। वो कहाँ से मिलते हैं हमें, वाटर कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि हमारी हवा में वाटर होता है ना स्टूडेंट, हमारी एयर में नमी होती है, तो वो वाटर हमारे एटमॉस्फेयर से हमें मिलता है। तो हमारा आयरन प्लस में ऑक्सीजन भी हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, मतलब आयरन पे रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर से, प्लस में क्या मिल रहा है, वाटर। तो जब ये तीनों चीज आपस में रिएक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें दिखता है कि आयरन के ऊपर एक रेड कलर की लेयर चढ़ गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीज मिक्स हो रही है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रस्टिंग क्या करती है स्टूडेंट, नॉलेज के लिए, रस्टिंग क्या करती है स्टूडेंट, जो हमारा मेटल है, जो हमारा आयरन है, उसकी सरफेस को क्या करती है स्टूडेंट, डेटोरेट करती है, खराब करने लगती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे दही कैसे बनती है स्टूडेंट, जब हम मिल्क में, दूध में क्या करते हैं, कोई सोर कर्ड डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल रही है स्टूडेंट, उससे हमें मिल रही है कर्ड। तो हमने क्या लिया, मिल्क प्लस में हमने क्या लिया, सोर कर्ड इक्वल टू हमें क्या मिल गई स्टूडेंट, कर्ड मिल गया, हमें दही मिल गया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट। अब हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है और किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमारी प्रिकॉशंस होती हैं, तो जानते हैं स्टूडेंट। जब हमारे पास जो एक मैग्नीशियम रिबन होता है तो हमें उस मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में स्टूडेंट एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं MgO, मैग्नीशियम रिबन में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, MgO की एक लेयर होती है स्टूडेंट, ओके। तो ये लेयर क्या करती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन आ रहा होता है तो ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने देता, मतलब मैग्नीशियम तक पहुंचने नहीं देता। और हमें पता है स्टूडेंट, अगर हमारा ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम तक नहीं पहुंच पाएगा, तो मैग्नीशियम नहीं बर्न हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम रिबन में चढ़ी ये लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम रिबन में जो होती है, अगर वो रहेगी तो अगर हम उसे जलाएंगे तो वो नहीं जल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हमें हटाना होता है। तो हम उसे कैसे हटाते हैं स्टूडेंट, एक सैंड पेपर रहते हैं हिंदी में, उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रेती, ओके। तो हम उसे सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं स्टूडेंट, साफ करते हैं, जिसके कारण मेरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ना स्टूडेंट, वो उससे हट जाती है और मेरा अब जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो जलने को तैयार है। अब हम क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, नीचे से उसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या उसे बर्न करते हैं तो हमें क्या दिखता है स्टूडेंट, हमें दिखता है कि वो एक डैजलिंग फ्लेम के साथ जलती है, उसमें से एक मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट फ्लेम आती है, जैसे फुलझड़ी में से आती है ना, ओके, जो क्रैकर्स में फ्लेम्स आती है स्टूडेंट फुलझड़ी में से, तो वो वैसी फ्लेम्स के साथ जलता है और हमें
लास्ट में क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर। हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी ना तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट। पहली चीज देखने को मिलती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से गैस भी निकल सकती है, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड चीज हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें हमें प्रेसिपिटेट भी देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है स्टूडेंट, जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं ना तो उसमें से कोई एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस उसमें मिक्स नहीं हो पाता, वो लास्ट में बच जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। कैसे? एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे आपने चाय तो बनाई होगी, चाय में आप देखते हो स्टूडेंट टी जो होता है, जो हमारी चाय पत्ती होती है वो आसानी से उसमें घुल नहीं पाती, तो वो उसमें घुलती नहीं है, तो हमें लास्ट में क्या मिल जाती है? चाय पत्ती। और जो हमारे अदरक होता है वो भी उसमें पूरी तरीके से नहीं घुल पाता, तो वो भी हमें क्या मिल जाता है? जिंजर भी हमें लास्ट में मिल जाता है, तो हमें क्या मिली? चाय पत्ती और जिंजर। तो ये मेरा क्या है स्टूडेंट, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो हम जो भी, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करें स्टूडेंट तो हमारा उसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होता है, मतलब उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। थर्ड केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट, चेंज इन कलर। क्या होती है? चेंज इन कलर। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमें चेंज इन कलर भी देखने को मिल सकता है, मतलब उस केमिकल रिएक्शन में कलर में भी चेंज आ सकता है स्टूडेंट। एग्जांपल, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल अभी चाय का ही दूंगा। तो चाय में हमें क्या होता है स्टूडेंट, वाटर का पहले कोई भी कलर नहीं होता, और बाद में क्या होता है स्टूडेंट, वाटर का क्या आ जाता है, जब हमारी टी पूरी बन जाती है तो एक ब्राउनिश कलर ले लेती है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। फिर इससे अगला होता है स्टूडेंट, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट कि अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल अभी बेसिकली मैं आपको चाय से ही दूंगा, फिर इसके बाद मैं इसको सबको डिटेल में समझाऊंगा स्टूडेंट उन एग्जाम्पल्स को। तो चेंज इन टेम्परेचर में स्टूडेंट कि हमारी टी पहले क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है, और बाद में जब टी बनके तैयार हो जाती है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन स्टेट। मतलब अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें स्टेट में भी चेंज होता है। अब स्टेट क्या होता है स्टूडेंट, हमारे कोई भी सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, वो सब्सटेंस हमें तीन स्टेट्स में पाया जाता है। मतलब तीन अवस्था में हमें कोई भी सब्सटेंस मिलता है, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड में मिलेगा, या वो गैस में मिलेगा। या तो सॉलिड में मिलेगी, या लिक्विड में मिलेगी, या गैस में मिलेगी स्टूडेंट, ओके। तो क्या होता है, कभी कभार जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, चेंज इन स्टेट होता है। मतलब कोई सब्सटेंस या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या वेपर से दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। चलिए आइए डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हमारा क्या था स्टूडेंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही होती है तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है। इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, अगर हम एक बीकर में क्या रखेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रखेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम एक बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रख रहे हैं और उसके ऊपर जिंक के ग्रैनुल्स, मतलब जिंक के टुकड़े डाल रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम देखेंगे उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें से क्या होती है, गैस भी निकल सकती है।
इसका सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट, अगर मैं उसी बीकर में क्या लूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखी है, अगर उसमें मैं अब जिंक की जगह सोडियम कार्बोनेट डाल दूं, क्या डाल दूं, सोडियम कार्बोनेट डाल दूं, तो मेरे को उससे क्या, कौन सी गैस मिलेगी स्टूडेंट, तो हमारी गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ओके स्टूडेंट, अगर हमें पता करना हो कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कि हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रैनुलर डालता हूं तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर मेरे को पता करना हो कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, तो हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट कि अगर हाइड्रोजन गैस को कभी भी जलाया जाता है तो वो पॉपअप साउंड करती है। ठीक है, जैसे फुलझड़ी या क्रैकर्स में से आवाजें आती है ना, उस हिसाब की उसमें क्या आती है स्टूडेंट, आवाज आती है। तो हम अगर बीकर के पास के ले जाएं, माचिस की तिल्ली से अगर उसे जलाएं या उसे जलाएं, माचिस की तिल्ली जलाएं, तो उसमें से हम देखेंगे कि एक पॉपअप साउंड आएगी। फुलझड़ी जैसे जलती है वैसे साउंड आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सी गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस। ओके तो अब अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, मैंने क्या बोला स्टूडेंट कि इसका सेकंड एग्जांपल, अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डालता हूं तो मेरे को कौन सी गैस मिलती है, मेरे को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट। और अगर मेरे को प्रूफ करना हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, फिर से मैं एक माचिस की तिल्ली लूंगा स्टूडेंट और देखूंगा कि वो माचिस की तिल्ली जो है, जो हमने लाइट करी है, वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आग को बुझा देती है, उसका काम होता है आग को बुझाना। तो इसलिए जो हमारे बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं ना, मीन्स जो आग बुझाने का काम करते हैं, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी क्या होती है स्टूडेंट, यूज होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं स्टूडेंट, बताया था कि अगर हम कोई दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। अगर इसका एग्जांपल लें, अगर मैं चाय ले रहा हूँ, अगर मैं शुगर ले रहा हूँ, जिंजर ले रहा हूँ और वाटर ले रहा हूँ, अगर मैं इन सबको मिक्स कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो इससे मेरे को मिल रही है चाय, बट लास्ट में क्या बच जाती है, बच जाती है स्टूडेंट चाय पत्ती, और क्या बच जाती है, अदरक। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये घुल नहीं पाती, तो इसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो इस प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं लूं चूना को कहते हैं क्विक लाइम। क्या, अगर मैं क्विक लाइम लूं और क्विक लाइम में अगर मैं क्या डाल दूं, ऊपर से पानी डाल दूं, स्टूडेंट, तो वो क्या बना देगा स्टूडेंट, एक वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा स्लेक्ड लाइम का, जिसे कहते हैं चूना पत्थर। तो वो एक स्लेक्ड लाइम बना देगा या चूना पत्थर बना देगा। ओके, तो वो क्या बना देगा, स्लेक्ड लाइम का प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है ना, तो वो हमारी बन जाती है प्रेसिपिटेट। इसका सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट, अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं, किसे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो हमें क्या मिलता है, लेड आयोडाइड। क्या मिलता है हमें, एक लेड आयोडाइड का पीले कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या, अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, तो हमें लेड आयोडाइड का एक क्या मिलता है, येलो पीले कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की, जो है चेंज इन कलर। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कलर में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। एग्जांपल स्टूडेंट, ओके, तो आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो हमारा पर्पल कलर का होता है, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर स्टूडेंट सिट्रिक एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं,
पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर सिट्रिक एसिड डालते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो पर्पल होता है वो उड़ जाता है, वो कलरलेस बन जाता है। मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करें ना तो उसमें टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। कैसे होता है? अगर हम क्या करें स्टूडेंट, क्विक लाइम मतलब चूना, हम क्या लेंगे, क्विक लाइम लेंगे, चूना प्लस हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। वाटर बोले तो पानी या H2O, समझ में आ रही है। क्विक लाइम, अगर हम क्विक लाइम लेंगे प्लस में क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट, हमें मिलता है स्लेग्ड लाइम, और क्या मिलता है, बहुत सारी हीट उसमें से निकलती है जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या तुमने देखा होगा जब हमारे घरों में व्हाइट वॉशिंग होती थी पहले के टाइम पे, हम क्या करते थे, चूना लेते थे उसमें पानी डाल देते थे। तो जब हम उसमें पानी डालते थे तो क्या होता था स्टूडेंट, उसमें से बहुत सारी हीट निकलती थी, और बहुत सारी हीट निकलती थी जिसके कारण क्या हो जाता था, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। तो हमने क्या लिया था इधर, क्विक लाइम CaO प्लस में वॉटर H2O इक्वल टू हमें क्या मिला, स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH और उसका ट्वाइस। ओके स्टूडेंट, अब हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है फिफ्थ, चेंज इन स्टेट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें स्टेट में चेंज हो सकता है। मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, हमें तीन अवस्था में मिलते हैं, तीन स्टेट में मिलते हैं। या तो हमें वो सॉलिड में मिलेंगे, या हमें लिक्विड में मिलेंगे, या हमें गैस में मिलेंगे। तो स्टेट में चेंज का मतलब, अगर हमारी केमिकल रिएक्शन होगी या तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, या वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएंगे, या वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे दोबारा से। तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट चेंज इन स्टेट का, अगर हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, वो पिघलने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमबत्ती पहले सॉलिड थी, या जो हमारी कैंडल थी वो सॉलिड थी, और जैसे ही वो पिघली तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो इससे ये प्रूफ होता है